जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के विद्यार्थी बहुत परेशान हो रहे हैं फिजिकल के कट ऑफ के लेकर, तो आज मैं आपके लिए कुछ विशेष आंकड़े लेके आया हूँ फिजिकल के लिए, जो आपकी बहुत मदद करेंगे कि आपके अगर कैसे नंबर है तो आपको फिजिकल करना चाहिए और आपको नहीं करना चाहिए, इस चीज़ें डिसाइड करने में। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो मेरे हेल्पलाइन नंबर का जो कॉल बज रहा है या व्हाट्सअप बज रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, सर एक बार बता दीजिए, सर इतनी बता दीजिए, सर इतना। आपको बता दूँ, पहली बात तो हेल्पलाइन का जो नंबर है वो मैं अटेंड नहीं करता हूँ, वो कॉलिंग फ्रॉम होम है, वो कॉलिंग घर से अटेंड होती है, ठीक है, तो उनको मत बोलिए विराट सर से बात कर दी। दूसरी बात, वो आपके लिए एकेडमी के लिए सुविधा के लिए नंबर है, जो बच्चे एकेडमी आना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9588106008। रणभूमि बैच यानी फिजिकल बैच चला दिया गया स्पेशली एसएससी जीडी के लिए और आर्मी के लिए, तो जिनको रणभूमि बैच में आना है वो आ सकता है लॉट, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर जो 9588106008 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 9588106008, ठीक है लाड लो। बाकी आप इस पे अगर ऐसे डाउट पूछोगे मेट कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो इनको नहीं पता, ध्यान रखिएगा। तो मैं बताऊँ आपके समझ में कुछ आंकड़े लेके आया हूँ, साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, कमांडो अकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। आप अगर मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कमांडो अकेडमी, इस पर आप आके जुड़ सकते हैं मेरे से। अगला, असम। अगर बात करें स्टेट वाइज की किसकी कितनी मेट जाएगी, तो मैं आपको बताऊँ भारतीय जितने 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों में से लगभग 12 से लेकर 16 ऐसे राज्य हैं जिनकी मेट 50 से कम रहती है। कितनी रहती है बेटा? 50 से भी कम। अभी आपके समक्ष ऐसे राज्य पेश करूंगा मैं जिनकी मेट 50 से भी कम रहती है। उन राज्य से बहुत सारा कॉल आता है कि सर हम तैयारी करें कि ना करें। बेटा आपकी फाइनल मेट 50 से कम रहती है तो आप सोचिए फिजिकली कट ऑफ क्या रहेगी, आपकी बताने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए पहला राज्य आपके समक्ष में पेश कर दिया, असम की फाइनल मेट देखिए, हाईएस्ट 50 है। दूसरा राज्य आपके समक्ष में पेश करूं बिहार, तो बिहार की 67, तो आप सोच लीजिए कि फिजिकली कितनी जाएगी, 67 है इस बार, 100% है, 67 से नीचे रहेगी तो फिजिकल 50 के आसपास रहेगा और आपके नंबर भी अभी बढ़ने बाकी है। ये दूसरा राज्य बिहार। तीसरा राज्य चंडीगढ़, आप देख लीजिए 50 पर टोटल अप से अप मेरिट नहीं है। तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लीजिए, कुछ भी ले लीजिए तीसरा, ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं। चौथा अंडमान निकोबार 43 नंबर पर, यानी 50 नंबर भी जिसके नहीं है उसका भी आ रहा है, तो आपके यहां से 40 नंबर आए तो भी आप फिजिकल के लिए जाओगे, सोचने की जरूरत नहीं। पांचवा आंध्र प्रदेश, ये लीजिए प्रूफ के लिए, आप देखिए यहां की मेट फाइनल मेट रही है, तो कट ऑफ क्या रही होगी, जहां की फाइनल मेट 50 रही है या 40 रही है या 45 रही है, तो वहां की फिजिकल की कट ऑफ क्या रही है आप अनुमान लगा सकते हो, कम से कम 10 से 15 नंबर नीचे। तो पांचवें नंबर पर ये लीजिए सातवां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 33 नंबर तो फाइनल मेट रही है, तो कट ऑफ भी 33 ही रही है। तो यहां से बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, छत्तीसगढ़ की देखिए 50 के आसपास ओवरऑल सारी मेट है, वो भी फाइनल। देखो दादर व नागर हवेली की सीटें खाली रह गई। दिल्ली की देखिए पिछले आंकड़े हैं 64 सीआरपीएफ, ठीक है, लोवेस्ट मेट। गोवा, अब आप खुद देख लीजिए, ये आप आंकड़े देख रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिखा दूंगा। ये जो आंकड़े देख रहे हैं ये लड़कियों की मेट के देख रहे हैं, लड़कों की मेट में आप इनमें 4-4 दो दो 4-4 नंबर प्लस कर लीजिए बस, ये लड़कियों की मेट के आंकड़े हैं आपके समक्ष, ठीक है, इनमें 2-2 4-4 आप आंकड़े और प्लस कर लीजिए, बाकी ओवरऑल आप यही पाओगे। तो 10 से 11 राज्य, तो कहने का मतलब आपको कॉल मिला के आप किसी भी राज्य के देखोगे, आप अपने राज्य की फाइनल मेट, मैंने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी उसमें ये पीडीएफ डाल रखी है, आप क्या करिए अपने राज्य के आंकड़े देख लीजिए फाइनल मेट के, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप अपने राज्य की क्या करिए फाइनल मेट के आंकड़े देख लीजिए और उससे आप कम से कम ये मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर नीचे तक आपकी फिजिकली कट हो पाएगी, तो उसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है लाड दो। तो ये आपके समक्ष है, ये चीजें कोई मैं अपने मंदिर से नहीं बता रहा, ये 2018 वाली मेरिट है। फिर भी आप घबराए जा रहे हैं, अरे घबराना नहीं भाई, पेपर हार्ड था, 1/4 की माइनस मार्किंग भी थी, प्लस अभी नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर भी प्लस होंगे, तो जो बच्चा 50 पे है वो ऊपर भी जाएगा, जो 40 पे वो भी ऊपर जाएगा, जो 35 पे है वो भी ऊपर जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। जय हिंद, जय भारत।